मजा आ रहा है जो मैं हिस्ट्री में देखता था वो आज मैं रियल में देख रहा हूँ, जो मैं किताबों में देखता था फोटोज में देखता था और हम लोग जिसके बारे में पढ़े लिखे वो आज मैं रियल में देख रहा हूँ, तो मैं दिल से बहुत खुश हूँ। आई होप आप लोग को भी वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और आप लोग को भी इसे व्यू देख के बहुत ही मजा आ रहा होगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अरबाज अंसारी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी लोगों को आज सुन के हैरानी होगी कि मैं आज कहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं आज अचानक से पहुँचा हूँ ताजमहल। कैसे पहुँचा कैसे नहीं ये सब आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगा, पहले तो आप लोगों को ताजमहल का टूर करवाता हूँ। और मैं ताजमहल के अभी पीछे हूँ, मतलब लाइक गेट पे अभी 500 मीटर दूर है गेट, और ये बंदा यहाँ का लोकल है और ये बंदा मेरे को यहाँ से टूर कराने वाला है आज, लाइक समझ लो गाइड करने वाला है मुझे। और मैं तो यहाँ फिलहाल आपको सोलो दिख रहा हूँ, और मैं यहाँ कैसे पहुँचा कैसे नहीं ये सब अभी लोगों को पता चलने वाला है। और आगे वीडियो में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरा भी एक छोटा ड्रीम था कि मैं ताजमहल घूमूं और वहाँ का आप सभी लोग को व्यू दिखाऊं, तो साथ ही साथ मैं घूम भी लूँगा, आप लोग को भी व्यू दिख जाएगा। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को अच्छा खासा। और बात पहली बात रही कि आप लोग को मैं टूर्स नहीं दिखा पाया, लाइक कैसे आया कैसे नहीं ये सब कुछ नहीं, मतलब मैं कहाँ स्टे किया ये सब आप लोग को कुछ दिखा नहीं होगा। तो लाइक आप लोग को पहले अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो आप लोग, अगर पहले से सब्सक्राइबर है पहले देख रहे हो, तो मेरी एक हैबिट है मैं ट्रैवलिंग वगैरह कुछ दिखाता नहीं हूँ, लाइक जो लोकेशन है वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और काफ़ी वीडियोज़ में ट्रैवलिंग तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता सब देख के ट्रैवलिंग वगैरह, क्योंकि बहुत से ऑडियंस जो होते जो भी सब्सक्राइबर्स जो हमारे फ्रेंड्स होते वो ट्रैवलिंग देख के बोर होते हैं मेन मतलब, तो मेरे को वो सब नहीं दिखाना था और आप लोग को सीधा लोकेशन दिखाना था, मतलब लाइक मैं जहाँ आया हूँ। मैं खुद सरप्राइज हूँ और थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने डैड को कि मेरे को उन्होंने ताजमहल के लिए लेके आए, स्पेशली डैडी आए थे वो अपने काम से, तो उनके साथ मैं भी आया हूँ फ्री में। तो कहा जाता है ना कि जहाँ पापा है वहाँ अपने सपने सब अच्छे होते हैं, तो काश वही हुआ है मेरे साथ। तो चलो मैं तो ताजमहल देखूँगा, और यहाँ काफ़ी कुछ फोर्ट है, मेरा फर्स्ट डे इधर, मैं मतलब लाइक इधर आगरा फोर्ट है और ताजमहल है, और भी यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े मार्केट्स है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलो पहले चलते ताजमहल, और उधर क्या चार्जेस है क्या नहीं, लाइक टिकट्स का वो सब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं टिकट काउंटर पर पहुँच चुका हूँ, और टिकट पर क्राउड देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्राउड है, और टिकट लेना इम्पॉर्टेंट है, विदाउट टिकट तो हम घूम नहीं सकते। तो पहले टिकट लेते हैं फिर अंदर टूर करेंगे हम सभी लोग, और पूरा व्यू दिखाऊँगा आप लोग को। तो यहाँ से पहले टिकट लेते हैं, और यहाँ कैश एंड काउंटर ही चलता चलता कैश ही चलेगा, उधर लिखा है बुकिंग काउंटर और तो वो उल्टा दिखेगा। तो लाइक चलते फटाफट हम लोग टिकट लेते हैं और अंदर से चलते हुए आपको व्यू दिखाते हैं, तो बने रहना आप लोग वीडियो पे, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है अभी फिलहाल। और राइट गाइस, आप लोग सभी लोग देख पा रहे हो मैं कहाँ हूँ अभी फिलहाल, लाइक ताजमहल का अंदर हूँ मैं, मतलब गेट से एंट्री मार चुका हूँ। लाइक हम लोग टिकट विकट और लाइक इधर का फैसिलिटीज़ देखोगे तो टिकट्स के लिए लाइक थोड़े से कम फैसिलिटीज़ है, और लाइक ये फैसिलिटीज देखोगे कितना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, काफ़ी देर तक लाइन में लगना पड़ा, ऑनलाइन सिस्टम भी इतना अच्छा है नहीं, पेमेंट जा रहा है पर टिकट दिख नहीं रहा है, तो बट बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं अभी चल रहा हूँ फटाक से यहाँ से लोग ताजमहल अंदर चल रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, एंट्री मारते हैं, हम लोग टिकट विकट सब कुछ ले चुके हैं और टिकट्स के साथ, और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ये मेरे को गाइड कर रहा है तो मुझे दिखाएगा, क्योंकि यहाँ का ही बंदा है और अंदर घूमने निकला था अकेला, तो बोला भाई तू अकेले घूमेगा मैं भी अकेले घूम रहा है, अच्छा मेरे साथ घूम। तो हम लोग चलते हैं पहले अंदर घूमते हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो चलो आप लोग को गेट दिखाता हूँ अभी। देख पा रहे हो काफ़ी बड़ा गेट है, और अभी हम लोग यहाँ से एंट्री मारे हैं, और सब लोग मॉर्निंग से यहाँ आना जाना स्टार्ट हो जाता है और सब लोग लाइक मतलब आते जाते हैं, तो यहाँ से कुछ लोग जो घूम के आ चुके हैं वो लोग यहाँ से एग्जिट मार रहे हैं और हम लोग अभी एंट्री मार रहे हैं। तो चलो चलते हैं, देख पा रहे हो आप लोग, मैं तो काफ़ी लाइक मतलब हिस्ट्री में देखता था तो गॉगल पे रहते ढंग से दिख नहीं रहा था, तो अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरे बैकग्राउंड में कितना बहुत यार जो सुकून मिलता है वो भी है, और इधर काफ़ी मूवीज़ के शूट्स भी हुए, आप लोग बहुत रन मूवी देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज़ देखे होंगे वो यहाँ शूट्स हो चुके हैं, और ये बंदा भी बहुत एंजॉय कर रहा है बट वो कुछ बोल नहीं रहा है, लाइक मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ इसलिए, तो आप लोग को मैं बैक कैमरे से वो दिखा दो गेट कितना बड़ा है, आप लोग देख के बोलोगे क्या भाई क्या व्यू है। ओके देख पा रहे हो आप लोग इतना अमेजिंग व्यू है, और हल्का सा वहाँ से वो जो वाइट वाइट दिख रहा है वो ताजमहल है। मैं भी फिलहाल गेट पर हूँ और आप लोग यहाँ ये लोग को देख सकते हो, लाइक मतलब जो पब्लिक है कितनी अच्छी पब्लिक आती है, और यहाँ का जो क्लीनपना है वो आप सब लोग देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा क्लीन है, और आप लोग अगर इसका हिस्ट्री जानने की कोशिश करो तो बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है, जो लाइक मुगलिया सल्तनत से चलते आ रही थी उस टाइम का ये सब कुछ है, और अभी भी इतना अच्छा दिखता है, तो आप लोग देख पा रहे हो बहुत भाई बहुत, देख पा रहे हो कितना बड़ा गेट है, और थोड़ा सा वाइट वाइट जो दिख रहा होगा वो ताजमहल है। तो भाई जो पैर की दो निशानी कहा जाती थी वही ये ताजमहल है, तो वो दोनों की निशानियाँ थी जो शाहजहाँ ने बनाई थी मुमताज के लिए। तो ये मेन गेट है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ फोटो वगैरह, फोटोज वगैरह तो बाद में हम खींचेंगे ही, आप लोग को मैं दिखाता हूँ सब कुछ।
भाई 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 पूरा वाइट वाइट, अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग। देख पा रहे हो जो चमक रहा है पूरा, जो आप लोग को वाइट वाइट दिख रहा है उसके पीछे ही ताजमहल है, और ये सब आप लोग देख पा रहे हो। इससे ज़्यादा क्राउड भाई कहीं नहीं होता ऐसा लग रहा है, और इससे ज़्यादा सुकून की जगह कहीं नहीं है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ सब कुछ है, और अब भी आप लोग ने जो देखा होगा वो व्यू देखो, एकदम काफ़ी अमेजिंग व्यू है। आपने देख ही लिया था ताजमहल, और मैं इधर अंदर घूमने वाला हूँ तो आप लोग को वो भी सब कुछ दिखाने वाला हूँ, और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को तो। और बैक से भी आप लोग व्यू देख पा रहे हो, पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, कितना चमकता है थोड़ा सा इधर पे। और आप लोग को जिससे पता है वो इंडिया के सातवें अजूबे में गिनती होती है, मतलब दुनिया के सातवें अजूबे में गिनती होती है, और इंडिया में मोस्ट पॉपुलर प्लेस करके इसको जाना जाता है। और काफ़ी जितना इसके बारे में बोला गया है लाइक कम ही बोला गया है, और जितना खूबसूरत इसको बताया गया बहुत कम बताया गया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये प्लेस। तो आप लोग आओ यार, मैं तो सजेस्ट करूँगा, पीछे देख पा रहे हो आप लोग कितना चमक रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो। आई होप कि आप लोग को भी मज़ा आ रहा है वीडियो देख के, और अगर आप लोग कभी मिले आप लोग को मौका ऐसा आने जाने का तो प्लीज़ वो मौका छोड़ना मत, बहुत यार सुकून वाली जगह ये। तो आप लोग को पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ साफ सफाई चलती है, पीछे देख पा रहे हो बहुत बहुत मतलब बहुत आते हैं यहाँ फॉरेनर्स, और अपने इंडियन भी बहुत लोग घूमते रहते हैं। तो देखो भाई छोटे कुछ बोल नहीं रहे, तू मेरे साथ घूमने कैसा लग रहा है तेरे को? बढ़िया लग रहा है। ये इधर का ही है तो लोग, आप लोग लैंग्वेज सुनोगे तो आप लोग को लाइक थोड़ा अजीब लगता है, मुझे खुद लगे सुनने में जो है वो बातें कर रहा है बट कैमरे के सामने नहीं बातें कर रहा है। और उसने मेरा चश्मा लिया, उसको पहनने बहुत मजा आया, बोला भाई पहन तू भी कुछ देर। और यहाँ आप लोगों में जैसे बोला फॉरेनर्स बहुत आते हैं तो यहाँ मतलब, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मैं यहाँ जो लाइक मतलब हिस्ट्री वगैरह में जो पढ़ता था, मैं आप लोग को बार बार रिपीट करूँ क्योंकि मैं आप लोग को अपनी हैप्पीनेस नहीं बता सकता, इतना मेरे को अच्छा लग रहा है। और आप लोग को भी आओ कभी, ये तो आप लोग फ़ोन मतलब फ़ोन में देख रहे होंगे अपने, या फिर लैपटॉप्स में देख रहे होंगे, कंप्यूटर्स में देख रहे हो, बट कभी रियलिटी में आके देखो इसको, बहुत सुंदर है बाबू, बहुत सुंदर है। जितना भी कहा गया है बहुत कम कहा गया है, तो आप लोगों को फिर भी इसको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप लोग सिर्फ ताजमहल देखने का काम करो। चलते बीच पे चलते ना, इधर से ऐसे चलते हम लोग सेंटर में। और बाबा बहुत कम कहा गया इसके बारे में, बहुत कम कहा गया है, इतना खूबसूरत बनाया गया है ना, इतना खूबसूरत बनाया गया इसको, और उस जमाने का आज ही अवेलेबल है तो भाई अजीब मतलब। इतना अच्छा है उधर, मैं कुछ अभी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, और जिन जिन लोगों ने मेरे को अभी तक एकदम सामने आ चुका ताजमहल के, और आप लोग को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ने अभी तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम फॉलो करो, आप लोग को वहाँ नए नए अपडेट्स मिलेंगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ कहाँ नहीं, और इसके कुछ फोटोज़ भी आएंगे, फोटो क्लिक करने जा रहा हूँ थोड़ा सा, और आप लोग को आगे का व्यू दिखाता हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग जो रहेगा वो आगरा फोर्ट का है, और वहाँ भी जाने वाला हूँ, लाइक उसको भी लाल किले में ही गिनती होती है, उसके उसको आगरा फोर्ट किया कहा जाता है, तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो पहले आप थोड़ा बहुत इसको और भी देख लो, तो चलते भी आपको ताजमहल का अंदर का भी थोड़ा देखने मिलेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं बोलने से ज़्यादा खुद में बहुत खुश हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी देखूँ और आप लोग को भी दिखाऊँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लाइक एक थोड़ा सा नर्वस जैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं लाइक एक थोड़ा सा ड्रीम था जो मेरे डैडी की वजह से आज मेरा पूरा हुआ। डैडी इधर कुछ काम से आए थे और वो अपने काम से निकल गए और मुझे बोले कि जा तू घूम के आ, मतलब लाइक मैं ईस्ट में ही स्टे किया हूँ, तो आप लोग को मेरी हैबिट पता होगा, मैं ट्रैवलिंग एंड कुछ दिखाता नहीं हूँ अपने वीडियोज़ में, लाइक आप लोग को जो प्लेस बोलाऊँ लोकेशन बोलाऊँ वो दिखाने का काम करता हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं काम करता हूँ। तो चलो आप लोग को मैं फटाफट दिखाता हूँ व्यू, और रुको फटाफट फटाफट, बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी देखना और इन्जॉय करना। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और लाइक मतलब इधर जो जो प्लेसेस है ना वो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा, लाइक मतलब जितना भी प्लेसेस है लाइक आगरा में जो भी आता है लाइक आप लोग में समझाऊँ। और पहली बात तो ये आप लोग देख पा रहे हो मुगल सल्तनत से जो बना हुआ है वो आज भी ऐसे बना हुआ है, और आज भी मेरे को तो पता नहीं कितना खूबसूरत होगा, बट अभी जिससे उसका कहना क्या गया ये अजूबे में गिनती होती है, तो सच में यार अजूबे में गिनती होती है, बहुत वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इतना खूबसूरत है ये। तो आओ और इसको देख के जाओ भाई, आ रहे हो और बिना देखे जा रहे हो तो मज़ा नहीं है, ये देखो। और लाइक मैं आगरा फोर्ट भी आप लोग को दिखाऊंगा,
और जिसको लाल किला भी कहा जाता है, और आगरा फोर्ट भी, और लाल किला एक जगह अगर आप लोग देखोगे ना तो लाल किला इधर है, क्या बोलते हैं, दिल्ली में, और ये जो है लाल किला इसको भी कहा जाता है, पर वो आगरा फोर्ट है जहाँ तक हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वो आगरा फोर्ट उसको कहा जाता है। और इधर भी जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, याद तो मेरा फर्स्ट डे है तो मैं आप लोग को पहले ताजमहल पूरा दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो लाइट पड़ रहा है ना, वो दिख ही नहीं रहा है, ऐसा सीन है, इतना वाइट है ये। तो आओ आओ चलो, एकदम पुरानी पुरानी चीज़ें, तो चलो अंदर का भी व्यू देखते हैं। फाइनली मैं भी अंदर जाने वाला हूँ, ये लोग आप लोग देख पा रहे हो वहाँ से, मैं अंदर भी जाने वाला हूँ। और वहाँ एक रिवर है कहते हैं, और आप लोग को रिवर भी दिखाता हूँ। और फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे मूवीज़ के शूट्स होते हैं, एक रन मूवी देखे होंगे आप लोग, और काफ़ी सारे एल्बम्स है पुराने पुराने, उनमें इनका शूट हुआ है। और भाई बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छी लोकेशन है, और ये लाइक काफ़ी अच्छी सच में। तो अभी मैं आप लोग को यहाँ से दिखाता हूँ, नहीं दिख रहा होगा इतना चमकीला पड़ेगा, रुक के देखता हूँ तब तो, को जो वाइट वाइट दिख रहा है वो चमक रहा है, तो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो देखते हैं। चलो पैरट्स वगैरह उधर बहुत है बाबा, इधर तो आवाज़ सुन पा रहे होंगे। इधर लिखा है मेहमान खाना, लाइक मतलब इधर लाइक अभी का है कि पता नहीं, बट गेस्ट आते होंगे उनके लिए ये। और जो ऊपर उधर पब्लिक गई है उसके अंदर, उसका चार्जेस बहुत है बाबा, बहुत 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 बहुत, मतलब बहुत चार्जेस है टिकट का, जो आप लोगों को मैं बोल नहीं पा रहा उतना। इधर अभी आप लोग को रिवर दिखाता हूँ, लाइक सच में यार अगर पैर की निशानी किसी ने बनाई तो बहुत खूबसूरत बनाई है। और वाह, जो पैर किया है इन्होंने किया है, और आजकल के लोग तो भाव कुछ नहीं किया है, ताजमहल बना दिया है, हम सब मिल के भाई लोग सिर्फ कागज़ पर बना सकते हो। फाइनली बैक साइड आ गया, और जो आप लोग को रिवर दिखाना था वो दिखा रहा हूँ, तो रिवर भी देखो, देख पा रहे ना ऊपर है वो, हद से ज़्यादा। तो इधर लाइक मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत पब्लिक आती है यहाँ देखने के लिए, आप लोग को देखने मिल ही जाएगा। और लाइक मेरा नेक्स्ट ब्लॉग तो आप लोगों को जैसे बोल रहा हूँ मैं आगरा फोर्ट का, और नेक्स्ट ब्लॉग है मेरा तो आगरा फोर्ट भी आप लोग देखना। अभी मेरे को भी प्रॉपर इतना पता नहीं उसको क्या कहा जाता है, और मेरा जहाँ तक प्लान था मैं लाल किला जाने वाला था, बट अभी सब कुछ कन्फर्म है नहीं, बट आगरा फोर्ट का जो ब्लॉग है वो आएगा ही आएगा, और जो भी यहाँ के अच्छे अच्छे प्लेसेस है वहाँ का आएगा ब्लॉग, क्योंकि मैं एक दो दिन तो यहाँ स्टे करूँगा ही करूँगा। तो देखो अभी मैं दूसरे गेट का आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर आओ दूसरा गेट, ये गेट है। और अब तक मैं आया और इसको हाथ ना लगा ऐसा हो नहीं मैं, तो बाबा क्या पत्थर है, सुकून देता है ये पत्थर, सच में बनाया जाने बहुत क्या माइंड से बनाया क्या पता नहीं, बट बहुत अलग ही, बहुत ही अलग माइंड से उसने बनाया है, अच्छी दिखता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो यहाँ एक मंकी है, तो उधर लिखा था बोर्ड पे कि लाइक बंदर से सावधान रहे और दूर रहे, तो चलो चलते उन लोग से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, और काफ़ी अच्छा प्लेस है यार सच में। और आप लोगों को अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मेरे से लाइक नहीं मिल पाएगी उन दिनों में, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, लाइक टिकट कॉस्ट और सब कुछ कितना है, क्या है यहाँ घुमाने के, कितना चार्ज लगते हैं गाइड। और थैंक्स तो इसको बोलना चाहूँगा, इसने मेरे को गाइड किया इधर और दिखाया सब कुछ, तो अच्छी बात है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया और आप लोग को भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देखने मिल रहा है। तो देर किस बात की कर रहे हो, अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब तो कर दो। तो चलो चलते हैं, और काफ़ी अभी भीड़ हो रही है, तो मेरे को अभी नेक्स्ट ब्लॉग बनाने भी दूसरे प्लेस पे जाना है, तो इतना आप लोग को हर चीज़ तो नहीं दिखा सकता यहाँ का, और मैं इतना दिन इधर कुछ कर भी नहीं सकता, तो मेरे को अलग अलग ब्लॉग्स बनाने हैं। तो अब तक अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करो, और अपने भाई लोग को सपोर्ट करो। यहाँ लाइक जो देखने आते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो इधर सिक्योरिटी भी कुछ बहुत हार्ड है, और आप लोग कहीं मतलब ऐसा इंजॉय तो कर सकते हो, बट कि कुछ ऐसे हर एक चीज़ों का हाथ नहीं लगा सकते, हर एक चीज़ों का आप लोग टच नहीं कर सकते, हर एक चीज़ों से मस्ती नहीं कर सकते, बात तो ये है। तो आप लोगों को जो हिस्ट्री की चीज़ें वो देखो, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को भी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैं तो देख देख के थक गया। और इधर लाइक गर्मी कुछ ज़्यादा है अभी, मुंबई में तो बारिश बहुत ज़्यादा है, इधर बारिश वारिश कुछ नहीं है, बट ठीक है इधर आज नॉर्मल उतना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक बार मेरे पीछे ताजमहल है, कितना वाइट है वो, बहुत और भाई अलग ही व्यू है आपको पीछे, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कितने लोग इधर आते हैं टूरिस्ट करने, टूरिस्ट करते आते हैं घूमने आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो फाइनली गाइस आप लोगों को मैंने जितनी भी चीज़ें देखी आप लोग पीछे देख रहे ताजमहल, वो सब दिखाया आप लोगों को,
और हर चीज़ दिखाई। तो आई होप आप लोग काफ़ी पसंद आएगा वीडियो और आप लोग को वीडियो काफ़ी इंजॉय किया और आप सभी लोग को जो जो चीज़ें मैं दिखाया वो सब दिखा रहा हूँ। अभी मैं एग्जिट मार रहा हूँ और मेरे को चलना है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट लोकेशन पे, तो उस लोकेशन पे जाके भी आपको ब्लॉग बनाया है और मैं अगर कंटिन्यू करूँगा तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप लोग को देखने में कुछ लाइक मतलब इतना मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग भी लाइक मेरे को छोटा ही बनाना है और लाइक आप लोग को बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इस हिसाब से मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा और इधर के आसपास का ही रहेगा और इधर बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग को हिस्ट्री में मिल जाएंगी, हर चीज़ें मेरे को जो जो याद है वो चीज़ें मैं अभी चलने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।